और अलवर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा बानसूर विधानसभा के ग्राम पंचायत बबेड़ी और नांगल लाखा ग्राम पंचायत पहुंची, जहां केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लेकर संकल्प शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें विधायक देवी सिंह शेखावत और कलेक्टर शुभम चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। इस क्रम में विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही नीति को लेकर सरकार काम कर रही है और प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है उनको सिलेंडर दिया जाएगा। 1 तारीख से वो योजना लागू हो गई है और रजिस्ट्रेशन उसके जारी है और 1 तारीख के बाद में जो भी आपको सिलेंडर आएंगे वो 450 रुपए में प्राप्त होने वाला है। यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा जो पूरे देश में लागू की गई है आयुष्मान योजना, उसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है और पिछली गवर्नमेंट में भी 25 लाख की घोषणा की गई थी, वो योजना अलग नाम से थी, लेकिन ज्यादातर लोग तो 5 लाख 10 लाख तक कवर हो जाते हैं, बहुत कम पेशेंट को 25 लाख तक जरूरत पड़ती है। तो इसमें कई सुविधाएं हैं जो आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। आईईसी के अलावा, आईईसी मतलब जो स्कीम का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और जो आपको मुझे लगता है जिन चीजों का लाभ आवश्यक रूप से उठाना चाहिए और जो अधिकतर लोग आपसे से जो है वो उठा सकते हैं, तो एक तो आपके यहाँ पे हेल्थ कैंप जी लग रहे हैं, तो डॉक्टर्स की टीम जो है वो बैठी है, तो कोई यदि समस्या है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। इसके अलावा टीबी की भी स्क्रीनिंग हो रही है।